बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से हम आपको ऑनलाइन लेक्चर्स थ्रू वीडियोस भेज रहे हैं, जिसमें क्लास 7th की मैथमेटिक्स को हम कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 है हमारे पास, जो कि है सेट्स। डियर स्टूडेंट्स, सेट्स के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़। जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जो SLO चल रहा है, वो है डिफाइन यूनिवर्सल सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, डे 3 के काम में हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये भी सेम वैसे ही है जैसे हमने पीछे कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन सीखे हैं। इसमें भी हमें सेट्स दिए गए हैं, यू सेट दिया गया है, ए सेट दिया गया है, बी सेट दिया गया है। अब इसमें जस्ट थोड़ा सा चेंज आएगा। वो चेंज हमारे पास क्या होगा कि हमने लेफ्ट साइड को प्रूफ करना है कि वो राइट साइड के इक्वल है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को लेंगे, वो जो कि हमारे पास है बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस बी। तो सबसे पहले हम जब इसको फाइंड करेंगे, यूनिवर्सल सेट यहाँ पे लिखेंगे, माइनस इसमें से कर देंगे बी सेट। तो आप ये देख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट और बी सेट में से इवन नंबर जो हैं वो कॉमन है। तो इवन नंबर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगी यहाँ पे ओड नंबर। ओड नंबर मेरे पास आंसर आया है बी कॉम्प्लीमेंट का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेट ए जो है ये आपके पास है ओड नंबर्स। इट मीन्स कि जब मैंने बी का कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो मेरे पास इक्वल आ गया है सेट ए के। तो ये प्रूफ हो गया। अब थोड़ा सा इससे चेंज एक पार्ट है, उसको भी हम देख लेते हैं। इस साइन का मतलब होगा माइनस, ठीक है जी। अगर आपको इस तरह से दिया जाए या आपको माइनस का साइन दिया जाए, तो इट मीन्स कि आपने इनका डिफरेंस ही दो सेट्स का फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ए और बी का डिफरेंस फाइंड करेंगे, और हमने प्रूफ ये करना है कि वो सेट ए के इक्वल आएगा। आप यही साइन भी यूज़ कर सकते हैं, और आप यहाँ पे माइनस का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप ये देखें, ये आपके पास ओड नंबर्स हैं, ये इवन नंबर्स हैं, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो फर्स्ट सेट जो है वो एज इट इज़ आ जाता है जब हम डिफरेंस फाइंड करते हैं दो सेट्स का। तो ये सेट जो है, ये चूंकि ओड नंबर्स का सेट है, तो ये सेट ए के इक्वल आ गया। तो हमारा जो है वो प्रूफ हो गया कि लेफ्ट साइड जो है वो इक्वल है राइट साइड के। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपने इसके जो बाकी पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करना है अच्छे से। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। स्कूल कॉपी पर भी आपने इनको सॉल्व करना है, स्टे होम स्टे सेफ।